हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अभी इन दिनों मैं पुणे आई हुई थी। 2-3 दिन से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो इस वजह से थोड़े व्लॉग्स में थोड़ा डिले हो गया। तो आज हम कुछ स्पेशल बनाने जा रहे हैं। मैं महाराष्ट्र में आई थी, महाराष्ट्र की डिश थोड़ी सी आपको बताऊंगी। तो आज हम बनाएंगे प्याज के अलग तरीके से पराठे। जनरली हम प्याज बारीक बारीक काट के और उसमें मसाले डाल के भरते हैं, लेकिन आज हम डिफरेंट तरीके। इसमें हमने प्याज को थोड़ा लंबा लंबा काटना, जनरली छोटा छोटा काटते हैं, इसमें लंबे प्याज रहेंगे। और इस पे हम रखेंगे कढ़ाई और उसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि हमने इसको हल्का हल्का फ्राई करना है सौदे टाइप से। तो तेल हो गया है गरम, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा, हींग, और इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कलर आने के लिए। कलर बहुत अच्छा लगता है परांठों में जब कलरफुल बनते हैं। और उसमें डाल देंगे हम जो हमने प्याज काटी थी, उसको हल्का हल्का हम फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से ब्राउन नहीं करना, बहुत ही हल्का हल्का, जिससे थोड़े से लूज़ लूज से हो जाए, ढीले ढीले से, तो परांठों के बीच में अच्छे लगते हैं। ऊपर से डालेंगे हम नमक, जिससे जल्दी ये सौदे हो जाए। थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, थोड़ी सी लाल मिर्च टेस्ट के लिए, और डालेंगे धनिया, धनिया भी बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। और थोड़ा सा हम इस पर डालेंगे काला नमक भी टेस्ट के लिए, थोड़ा टेस्ट अलग होता है। और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला भी। तो देखिए कितना अच्छा लगेगा इसको खाने में, जब इतना सारा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। और इसको हम हल्का हल्का चलाएंगे, जिससे ये नीचे से जले ना। वैसे हमने सिम पर रखा हुआ है, और हमने डाला है इसमें थोड़ा सा आमचूर। और अब डालेंगे हम थोड़ा सा इसमें गरम मसाला। तो गरम मसाला सबसे लास्ट में हमने बताया था डालते, क्योंकि वो सारे गरम होते हैं और उसमें जलने स्मेल ना आए। तो गरम मसाला हमेशा लास्ट में डालना चाहिए। और हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आता जा रहा है, और फ्लेवर तो माशाल्लाह होगा इसका। तो कितना अच्छा बन गया ये। और अब हम कर देंगे गैस को बंद, इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे, जिससे परांठों में इजीली ये भर आ जाए। इसको ढक दिया हमने, तो थोड़ा ठंडा हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। और इसमें हम डालेंगे थोड़े से 8-10 दाने सिट्रिक एसिड के। नींबू नहीं होता है हमारे पास, तो हम सिट्रिक एसिड, वही नींबू का हमारा इसमें, ये मार्केट में मिल जाती है आपको इसकी बॉटल, तो इसको डालते तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। एकदम खट्टे खट्टे बनते हैं, ऐसे लगता है हमने इसमें नींबू डाला हुआ है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, या इसकी जगह चाहें तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास रखा हुआ था इसलिए मैं जनरली यूज़ करती हूँ इसको। और ये बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ इसका टेस्ट। बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा तैयार हो गया है। और हमने ये आटा गूंदा है, आटे में हमने नमक और हल्का सा अजवाइन डाला है, जिससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा, फिक्के ना लगे। अब रख दिया है हमने तवा, अब हम इसके परांठे बनाएंगे। तो देखिए जनरली होता है कि एक परांठे में हम भर लेते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, हम दो पतले पतले परांठे बनाएंगे। एक हमने पहले बना के रख लिया, दूसरा ये है। और इसके अंदर हम जो हमने मसाला बनाया था वो इसके अंदर अच्छे से इसको फैला देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ढीला हो गया है, तो सिंगल उसमें ये भरा नहीं जा सकता है। भर के हम इसको बेलेंगे तो ये सारा परांठे में से प्याज निकल जाएगा। अब इसको हल्का हल्का साइड से पानी या घी जो भी आप चाहे लगा सकते हैं। और इसके ऊपर हम रख देंगे दूसरा परांठा, जो हमने चपाती टाइप से बनाया था, और इसको अच्छे से चारों तरफ से बंद कर देंगे। और बीच में से भी दबा देंगे कि जो मसाला है वो फैल जाए। अब इसको डालेंगे हम तवे पे, और इसको हल्का हल्का घी, ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हैं उससे आप इसको सेकिए। और मैंने आपको पहले भी बताया था, परांठे पे जब भी घी लगाएं इसको आप रब करते रहिए, तो इसका टेक्सचर एकदम रेड रेड हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो जब तक आप परांठे बनाएं इसको बस आप रब ज़रूर करते रहिए। देखिए रेड रेड होता जा रहा है ना, इसको दबा दबा के सेकेंगे तो इसका मसाला भी इवनली फैल जाएगा और बहुत ही कड़क बनेंगे, और अंदर से भी ये सिक जाते हैं, क्योंकि ये डबल लेयर होती है, तो इसको अंदर से भी सेकना ज़रूरी है। और देखिए कितने अच्छे ये तैयार हो गए हमारे परांठे। और इसको दही के साथ आप सर्व करिए, ऊपर रखिए मक्खन।
ये देखिए पूछते हैं कैसे बने हैं, क्या इनका रिप्लाई आता है, रिएक्शन क्या होता है, कैसे बने हैं। वाओ, इन्हें देखा आपने कितने सिंपल तरीके से और हल्का सा बस प्याज को लंबा लंबा काट के और उसका तड़का लगा के थोड़ा सा फ्राई करके और भर के बनाया। देखो टेस्ट बिल्कुल अलग हो गया, हम जो काट के बनाते हैं उसका टेस्ट और इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क है। चीज़ वही है, इंग्रेडिएंट सब कुछ वही है पर टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। एक बार इस तरह से आप प्याज के पराठे बनाने का ट्राई कीजिए तो देखिए कैसा टेस्ट लगेगा आपको। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।